टू माय स्पोर्ट्स YouTube चैनल को शामिल कहते हैं। मैं हूं फराज, मेरे साथ मौजूद है सब। आज हम बात करेंगे, नजम सेठी ने आते ही कड़क फैसले ले लिए। लैपटॉप वाली सरकार मोहम्मद वसीम को कर दिया है फारिग, और उनकी जगह कौन लेने जा रहे हैं इस सवाल से बात करेंगे। बहुत बड़ा बेंच उनकी जगह लेने जा रहा है इस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके, स्टेटमेंट आ गया है कि वो सेफ है या अनसेफ है, इस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ कमेंटेटर्स के पैनल का अनाउंस कर दिया, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस के टाइमिंग्स भी आ गए, इस वाले से बात करेंगे। उससे पहले क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे मेरे पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। देखोगे तो जरूर क्रिकेट से क्रिकेट तक सब्सक्राइब लाजमी करें। What happens when people tell you what to do? You calm down, you knock the poles over. That's the By the way, आज एक हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त नबील भाई का इंतकाल हुआ। लेजेंड्स थे हमारे, बिल्कुल उनका इंतकाल हुआ। आप सबसे गुजारिश है कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। बताता चलूं उनका इंतकाल किस वजह से हुआ, ये बताने का मतलब ये है कि लोगों को अवेयरनेस आए। जो लोग तंबाकू खा रहे हैं और गुटखे खा रहे हैं, अच्छे अच्छे मैं बताता चलूं, बिल्कुल नौजवान यंग लड़के थे, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में कैंसर हुआ उनको तंबाकू की वजह से, और इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं आपको जरा उनका पास्ट और इस वक्त का दिखाऊं, 2 साल पहले कैसे थे और जब उनका इंतकाल पहले नहीं 6 महीने पहले। इसलिए आपको बताने का मकसद ये था कि आप दुआ करें, और अगर आप किसी नशे के आदि हैं तो नशा ना करें। आपके पीछे फैमिलीज हैं, आप नशा करते हैं और आपको इस सब तरीके की बीमारी होती है तो अच्छी चीज नहीं है। इससे बुरे घर वालों को सब्र जमील दे, बिल्कुल, और दुआओं की दरख्वास्त है। चलें सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा। सो टॉपिक की तरफ आते हैं, नजम सेठी से जैसी हम उम्मीद कर रहे थे आती, तो मैंने पहले कहा था कि जैसे ही आएंगे रमीज राजा का किया हुआ काम सबको फिनिश कर, ये काम तो बहुत अच्छा बिगाड़ा है, क्योंकि इससे तो हम कोई भी खुश नहीं था। जिस तरह की वो सिलेक्शन कमेटी थी, मजा नहीं आ रहा था। काफी भंड मारे उन्होंने, बहुत बड़े बड़े भंड मारे। आपके इमाद वसीम बाहर रहे, इसमें आजम खान की कोई जगह नहीं बनी, शुएब मलिक आपके वर्ल्ड कप में नजर नहीं आए, काफी बड़े बड़े नाम जो थे ही नहीं, और काफी भंड मारे इन्होंने। अब देखें जिस तरीके से नजम सेठी आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने अच्छा काम भी किया है ना, इस वक्त वो भी जाएंगे। और जो अभी जो फारिग हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, पर अब जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है सिकलेन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, वसीम फारिग हो चुके हैं, पर जो उनके मुतबादिल आ रहे हैं बताता चलूं बहुत हैवी ब्रेवरी किस्म का स्क्वाड आ रहा है जो सिलेक्शन कमेटी को संभालेगा। दिलीप वैशी के क्रिकेटर्स आए और ऐसे अग्रेशन वाले क्रिकेटर्स आए, बताता चलूं शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, इंजमाम उल हक, एक्सपेक्टेड है कि ये पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को हैंडल करेंगे और पाकिस्तान के रखेंगे। ये तो है सऊद, अगर शुएब अख्तर आएंगे ना, शुएब अख्तर और शाहिद अफरीदी, ये दो आ गए ना। इंजमाम उल हक को तो पहले भी मौके मिल चुके हैं, अच्छी सिलेक्शन अच्छी करिए जो बात है, इमाम उल हक उन्होंने बनाए जो भी है, लेकिन शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर ऐसे ब्रांड है फराज के मजा आ जाएगा, बॉलिंग आपकी और उमदा हो जाएगी। आप एक बात बताओ, यूट्यूब चैनल पे बैठ के सब कहते हैं, पर जब पाकिस्तान की टीम में आते हैं तब क्या करते हैं? अभी तक जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, शुएब अख्तर ने क्या कहा था कि मैं इनको राउंड से ही बाहर आता हुआ देख रहा हूं। बाहर हो गए थे, ठीक है वो पहुंच गए, पर वसीम है, बोल वसीम सऊद, आप इनका पहले का यूट्यूब चैनल उठा लेना, इनका यूट्यूब पे चैनल है बोल वसीम, आप उस पे देख लें, ये सिलेक्शन कमेटी पे इतना क्रिटिसाइज करते थे, इनको सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया, इन्होंने क्या सिलेक्शन की, इनके खिलाफ ट्रेंड बने, पाकिस्तान की पहले ऐसे चीफ सिलेक्टर बने जिनके खिलाफ ट्रेंड्स बने ट्विटर पे, वरना आज से पहले सिलेक्शन पे बने, बिल्कुल, वरना आज से पहले कभी भी पाकिस्तान का कोई ऐसा सिलेक्टर नहीं आया जिसके खिलाफ इस तरीके के ट्रेंड बने। तो अब देखेंगे, शुएब अख्तर भी आए हैं, इंजमाम उल हक तो पहले परफॉर्मेंस अपनी दिखा चुके हैं, परफॉर्मेंसेस हमारी अच्छी थी 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, हम लोग बिल्कुल ही खुटे लाइन लग गए थे, वो फिर इंजमाम उल हक आया, उन्होंने टीम को संभाला। 2016 की लास्ट या 17 की शुरुआत से उठना शुरू हुई है, जो अब तक अच्छी जा रही है। अब जो चेंजिंग हो रही है इस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा टीम को, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं है ये। अगर ये आ जाते जो एक्सपेक्टेड है नाम, ये आ जाते तो इससे मैं समझता हूँ क्रिकेट को बहुत फायदा होने वाला है, आपकी क्रिकेट और ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। आप जो बात कर रहे हो ना वो कर रहा हूँ उनका यूट्यूब चैनल देख के, हम मैंने रमीज राजा ठीक है सुना, आपकी बात सही है, बोल वसीम को सुना, देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन शाहिद अफरीदी जो है ना, इन सब नाम में अगर मैं शाहिद अफरीदी को बोलूँ ना, वो जो बोलते हैं ना वो करते भी है,
आप देख लेना पठान है, पठान की एक जबान है। अच्छा पठान है। हाँ। शायद रखना जॉब अच्छे अच्छों को झुका देती है। वो सही है। जॉब एक ऐसी चीज है, ओहदा एक ऐसी चीज है कि वो इंसान अपने जमीर का भी सौदा करता है और कॉम्प्रोमाइज करने पे भी आ जाता है। शायद देखेंगे टीम में नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो करेंगे, बाकी अल्लाह वो ठीक है। पर एक हम उसने जन रखते कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, वो कभी किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। अच्छा सोचना चाहिए फराज। बिल्कुल। अब मोहम्मद वसीम है, उन्होंने कितनी बार बोला है अगर मेरे बस में होता मैं आजम खान को भेजता, अगर मेरे बस में होता तो मैं फलाह को भेजता। तो भाई आप चीफ सिलेक्टर की चीज क्यों, अगर आपकी नहीं चल रही तो आप स्टेप डाउन कर जाओ। अब देखेंगे इंशाल्लाह। स्क्वाड तो अच्छा अनाउंस करा है, जो सिलेक्शन कमेटी के लिए तीन मेंबर्स का पैनल, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, सना मीर भी आपके जो 14 रुकनी स्क्वाड में भी है। प्लान्स तो अच्छे हैं। अगर बात करें जो कमेंट्री का पैनल अनाउंस किया है उसमें बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दोनों तरफ से अच्छे अच्छे कमेंटेटर से नाम बताता चलूं, वकार यूनुस, बाजिद खान, उरूज मुमताज, साइमन डोल, जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में कमेंट्री करेंगे। फिर बात करते हैं स्कॉट स्टाइलिश, जो कि वनडे में भी करेंगे और टेस्ट में भी करेंगे। डैनी मॉरिसन ओनली वनडे, वो सिर्फ वनडे में कमेंट्री करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में अवेलेबल नहीं होंगे। क्रिस हैरिस वनडे और टेस्ट में दोनों में होंगे। पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंटर करेंगे सिकंदर वक्त। सो ज़ैनब अब्बास, हमारे इस पर ज़ैनब अब्बास नहीं है, कोई मसरूफियात होगी, हो सकता है। नहीं नहीं मसरूफियात वैसे होगी तो यार वो होंगी कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन में होंगी। चलिए ये थी खबरें आज की। अच्छा बाबर आजम के हवाले से जो बात आ रही है, उनकी जो कैप्टनशिप पे जो सवाल या निशान उठ रहे थे वो भी शुक्र है कि अभी फिलहाल बच गए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गन साफ कर रहे हैं। पहले आपके वसीम थे, फिर अब आपके हेड कोच वगैरह साफ होंगे इस सीरीज के बाद। ठीक है, मुझे ऐसे ही लगता है कि बाबर आजम पे अभी फिलहाल कोई उनकी कप्तानी को कोई खतरा नहीं है। और मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप है, क्योंकि जिस तरीके से जैसी नजम सेठी शकील शेख आए उन्होंने जिस तरीके से सफाई करना शुरू किया ना, तो जो हमारे टॉप और स्टार प्लेयर्स हैं उनमें अनसर्टेनिटी फैल गई थी, वो ट्रेंड बनाने लग गए थे कि सोचना भी मत। शाहिन शाह कैसे पलटी मारे, तो शाहिन शाह अफरीदी को शटअप कॉल दी शकील शेख ने कि अगर आप किसी भी ऐसी कैंपेन का हिस्सा बने तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस वजह से इस अनसर्टेनिटी को रोकने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बाबर आजम की कैप्टनसी को अभी कोई नहीं छेड़ रहा। पर मैं बताता चलूं, अगर हम न्यूजीलैंड से सीरीज ऊपर नीचे हो गई तो बाबर आजम साहब की कप्तानी गई, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये मैं बता दूं, टेस्ट सीरीज भी आप जीते रहो, ओडीआई भी जीतोगे, तुम देख लेना वो तो तुम, क्योंकि अब हलचल मच गई है टीम में। न्यूजीलैंड रिजवान के ऊपर भी सबसे बड़े खतरे के बादल मंडराएंगे, क्योंकि अब वो होगा कि परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम में रहेंगे, वरना गए टाटा बाय बाय। मैं बात एक परफॉर्मेंस पे आप बाहर हो गए। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि इस बार न्यूजीलैंड हमारे सिक्योरिटी का मसला हल कर देगा। सही वाला नहीं कर, हमने करा है ना दो वर्ल्ड कप में, हमने करा 21 के वर्ल्ड कप में हमने उनका सिक्योरिटी का मसला हल करा, 2022 में हल करा, पर इस बार ऐसा लग रहा है वो हमारा सिक्योरिटी का मसला हल करके जाएंगे। देखो टेस्ट मैच में मैं कह सकता हूँ कि हम आगे पीछे हो जाए, लेकिन ओडीआई 2-1 से आप इंशाल्लाह जीतोगे। चलो वो तो आपकी ठीक है, पाकिस्तान मेहमान नवाजी भी तो अच्छी करता है, 3-0 से तो मारेगा नहीं। वैसे भी नहीं मार सकते थे भाई हम मारे ना मारे। और दूसरी बात, जो मैच की टाइमिंग भी अनाउंसमेंट हो गई है, जो आपके ओडीआई की टाइमिंग है वो दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे मैच, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए भी, हम भी कोई 6-7 बजे पहुंच जाएंगे स्टेडियम। चलो जाएंगे तीनों मैचेस कवर करेंगे, पर 5 बजे होता 4 बजे होता तो और ज्यादा नहीं, बहुत लंबा हो जाता ना, फिर आप 2 बज जाते आपको रात के। सर्दी भी है तो ये भी। चले हम आपसे चाहेंगे याद, क्रिकेट से क्रिकेट तक को लाइक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो पोस्ट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।